और चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको मंदसौर से, जहां खाद्य विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो मंदसौर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां इशाकपुर में राशन की दुकान पर छापा मारा है। तो छापेमारी की गई है और केरोसिन की कालाबाजारी का यहां काम कर रहा था और वो सेल्समैन को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी खबर मंदसौर से आपको दे रहे हैं। खाद्य विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बता दें इशाकपुर में राशन की दुकान पर छापा मारा है। केरोसिन की कालाबाजारी करते समय सेल्समैन को पकड़ा है। करीब 800 लीटर केरोसिन की कालाबाजारी करते आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीती रात पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीतामऊ थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेते संवाददाता हैदर हमारे साथ जुड़े हैं। जी हैदर, खाद्य विभाग और पुलिस को ये बड़ी कार्रवाई मिली है छापेमारी की और उसके बाद ये बड़ी सफलता, क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, हम आपको बता दूं कि ये मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के इशाकपुर में पुलिस को सफलता मिली है, जहां पर एक राशन की दुकान से करीब 800 लीटर केरोसिन को एक ट्रैक्टर ट्राली में रात को कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने पकड़ा है और दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी चलिए, शुक्रिया हैदर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 800 लीटर केरोसिन की कालाबाजारी करते आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई की। बीती रात इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीतामऊ थाना इलाके का ये पूरा मामला है। करीब 800 लीटर केरोसिन की कालाबाजारी करते समय आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और ये भी आपको बता दें 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इशाकपुर में राशन की दुकान पर ये छापेमारी बीती रात पुलिस और खाद्य विभाग ने की और एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और थाना प्रभारी अमित सोनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अमित जी, जानना चाहेंगे इशाकपुर में राशन की दुकान पर छापेमारी हुई है और ये बड़ी सफलता आप लोगों को मिली है, पूरी टीम को मिली है। जी रात में कार्रवाई हुई है संबंध में। जी क्या लगातार इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी? जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश थे कि जिले में किसी भी प्रकार के माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभियान एक मंदसौर जिले में चलाया गया था और जिसमें ग्राम रक्षा समितियों को भी एक्टिव किया गया था। लोगों से अपील की गई थी यदि कोई अपराध चोरी छुपे होता है उसकी जानकारी देंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उसी के तहत ये जानकारी मिलने पर कार्रवाई की गई है। जी कल जो बीती रात आप लोगों ने कार्रवाई की है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। ये इशाकपुर में एक सेल्समैन है घनश्याम गुजर, उनके द्वारा राशन पे जो सामग्री आती है उसका विधिवत वितरण ना करने के कई बार शिकायतें ग्रामीणों द्वारा आपस में की गई थी, जिसमें चर्चा करके तय किया गया कि जब भी इस तरह की कोई काम करेंगे तो उस पर नजर रखी जाएगी। तो उनके द्वारा 4 ड्रमों में भरा हुआ केरोसिन वो रात को परिवहन करके किसी और को भेज दिया गया। वो जो व्यक्ति लेकर जा रहा था उसको ग्रामीण द्वारा ये दबोच लिया गया, उसकी जानकारी दी गई और उस पर विधिवत कार्रवाई की गई। अच्छा, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए शुक्रिया। और जिस तरीके से कार्रवाई की है, लगातार माफिया अभियान जो चलाया जा रहा है प्रशासन की ओर से, एमपी पुलिस की ओर से और मध्य प्रदेश शासन की ओर से, वो काफी सराहनीय पहल है, क्योंकि जिस तरीके से माफियाओं बढ़ रहे हैं और लगातार जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं उसे लेकर प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। और यही वजह है कि शासन द्वारा जब ये मुहिम चलाई जा रही है तो लगातार खाद्य विभाग और पुलिस ये बड़ी कार्रवाई कर रही है। बीती रात भी ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बता दें आपको कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केरोसिन की कालाबाजारी कर रहे थे और इसी बीच जब पुलिस और खाद्य विभाग को जानकारी मिली तो छापेमारी की गई इस दुकान पर और इसके बाद यहां से केरोसिन भी जब्त किया और दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।
माफिया जिस तरीके से प्रदेश में पैर पसार रहे थे उसी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही है माफियाओं के खिलाफ। और इसी कड़ी में आपको बता दें, आपको मंदसौर में भी बीती रात एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस और खाद्य विभाग ने अंजाम दिया। आठ लीटर कैरोसिन की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दो आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। ये कालाबाजारी कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। और खाद्य विभाग अधिकारी राजीव वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है और बीती रात भी जो सफलता मंदसौर पुलिस और खाद्य विभाग को मिली है, इसे लेकर आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की कार्रवाई और कितने आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया है। मैम, अभी हम पिछले दिनों हम पूरी कार्रवाई कर रहे थे गैस सिलेंडर में जी, और उसके बाद हमने कुछ चावल वगैरह का भी जब्ती वगैरह की थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जी। और आज हमें एक नई सफलता मिली है कि केरोसिन ब्लैक मार्केटिंग का भी हमें एक केस मिला है। जी मैम, तो हमारे जो टीआई साहब हैं मिस्टर सोनी जी, उन्होंने मुझे खबर दी जी। तो एक हमारे कंट्रोल की दुकान वाले हैं, वो केरोसिन का कालाबाजी कर रहे थे, तो वो ट्रैक्टर वगैरह हमने टीआई साहब ने जब्त किया है जी। उसके हमने एफआईआर वगैरह हमने करवा दिए मैम जी। राजीव जी, लगातार शासन की ओर से, सरकार की ओर से माफियाओं को लेकर ये बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी माफिया और कालाबाजारी वाले बेखौफ होकर काम कर रहे हैं, क्या लगातार अब इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी शहर में? नहीं नहीं मैम, मंदसौर जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है जी, और फूड एंड सेफ्टी वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हमें गड़बड़ी मिलती है उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं मैम जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार मंदसौर की अगर हम बात करें तो मंदसौर जिले में ये कार्रवाई माफियाओं को रोकने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार जारी है। जिस तरीके से माफिया पैर पसार रहे हैं, कालाबाजारी यहां पर हो रही है, उसे लेकर सरकार भी अलर्ट है और मंदसौर जिले में भी लगातार कार्रवाई जारी है। बीती रात की अगर बात करें तो पुलिस और खाद्य विभाग को यहां बड़ी सफलता मिली है। यहां बता दें जहां पर कैरोसिन की कालाबाजारी करते समय एक सेल्समैन को पकड़ा है, साथ ही साथ दो आरोपी को भी यहां से गिरफ्तार किया है।